कि गाड़ी बड़ी हो तो साथ खड़ा रहेगा प्यार, गाड़ी बड़ी हो तो साथ खड़ा रहेगा प्यार, गांधी जी जेब में हो तो और भी बढ़ता रहेगा प्यार, गाड़ी बड़ी हो तो साथ खड़ा रहेगा प्यार, गांधी जी जेब में हो तो और भी बढ़ता रहेगा प्यार, पर हालात इश्क तुझे क्या बताऊं जानी, अगर ऐसा ही रहा तो रोज मरता रहेगा प्यार। इसी में आगे है कि जब से सड़कें चौड़ी देखी शहरों की, कि जब से सड़कें चौड़ी देखी पगडंडी भद्दी लगती है, गांव की पगडंडी, जब से सड़कें चौड़ी देखी पगडंडी भद्दी लगती है, जब से शहर का लाल हुआ नोटों की गद्दी सजती है, पर मेरा गांव मुझे सबसे प्यारा, ये शहर की मिट्टी ठगती है, जब से सड़कें चौड़ी देखी पगडंडी भद्दी लगती है। एक और शेर है इश्क पे है कि मेरी क्या सोच रहती है गांव में, मेरी सांसों में रमी बसी कोई वृंदा है, वृंदा माने राधा, मेरी सांसों में रमी बसी कोई वृंदा है, बस इसी बात पर मेरा पूरा गांव शर्मिंदा है, मेरी सांसों में रमी बसी कोई वृंदा है, बस इसी बात पर मेरा पूरा गांव शर्मिंदा है, खैर चाहे कुछ भी कहे फिर जमाना मुझे, पर मेरे दिल में मेरा गांव अभी तक जिंदा है। ईद आ गई, ईद आ गई पर चांद नहीं आया, ईद आ गई पर चांद नहीं आया, कागज तो पहुंचा पर पैगाम नहीं आया, ईद आ गई पर चांद नहीं आया, कागज तो पहुंचा पर पैगाम नहीं आया, हाँ उनने ही किया था कत्ल मेरे प्यार का, पर प्यार हमारा था तो इल्जाम नहीं आया। आजकल अब क्या है, आजकल बेवफाई पे है, जाता नहीं उस गली, आजकल हम उस गली जाया नहीं करते, यहाँ जाया के दो मीनिंग्स हैं, एक जाया मतलब जाना और एक जाया मतलब बर्बाद करना, कि आजकल हम उस गली जाया नहीं करते, हम अपना वक्त हर कहीं जाया नहीं करते, आजकल हम उस गली जाया नहीं करते, हम अपना वक्त हर कहीं जाया नहीं करते, रोने को हमारी आपकी महफिल ही काफी है, हम बेवजह दूसरों को रुलाया नहीं करते, और अब हम उधर देखकर हंसते नहीं हैं। एक और चीज कर रहा हूं मैं कि अब हम उधर देखकर हंसते नहीं हैं, सोचते हैं कि हम इतने भी तो सस्ते नहीं हैं, अब हम उधर देखकर हंसते नहीं हैं, सोचते हैं कि हम इतने भी तो सस्ते नहीं हैं, मैं चलने को तो तय कर सकता हूं सफरे शहर पूरा, लेकिन मेरे चलने लायक तेरे शहर के रास्ते नहीं हैं। और शेर है कि शादी के पहले शादी के बाद होता क्या है, शादी के पहले जब मतलब सगाई हो गई होती है तो उस समय लड़के लड़की जो बात करते हैं तो लड़की को ज़्यादा जल्दबाजी रहती है कि शादी वादी हो जाए सब कुछ ख़त्म करें, तो उसी पे शेर है कि अभी अभी तो मिले हैं सजनी, लड़का बोल रहा है लड़की से कि अभी अभी तो मिले हैं सजनी, इतनी भी क्या जल्दी है, दुआ है धरती की हम पर कि तेरे घर भी हल्दी है और मेरे घर भी हल्दी है। मेरी टूटी उंगली की खबर ने, मेरी टूटी उंगली की खबर ने उन पर ऐसा गम डाला कि हमसे मिलने का उन्हें एक नया बहाना मिल गया है। शेर है बेवफाई पे है कि कल तक तुम भी खिला करती थी शहंशाहों की गोद में, लेकिन कल तक तुम भी खिला करती थी शहंशाहों की गोद में, लेकिन क्या कहा आजकल तुम्हें खिलने के लिए कीचड़ नहीं मिलता, क्या अदाएं हैं बिखरने से संवरने की, क्या अदाएं हैं बिखरने से संवरने की, खैर गनीमत है कि जो भी है सब सुलझा हुआ ही है। और इंदौर में एक विद्यार्थी का हाल क्या है, स्टूडेंट का हाल क्या है, दिन भर पढ़ता रहता है, खासकर पीएससी वाले आईआईटी वाले नीट वाले जो भी किताब हम घर को आप हैं, अधिकांश तो सभी नहीं, तो किसी दिन नींद में सोकर तुम भी, वो क्या बोलता है कि किसी दिन नींद में सोकर तुम भी तस्वीर बना लेना किसी की, हम तो बना नहीं सकते क्योंकि हम सोते नहीं हैं। और नोजोटो के लिए है जो मौका मिला है, नोजोटो ने दिया है कि समय मेरा बहुमूल्य है प्रतिभा मुझ में है छिपी पड़ी, समय मेरा बहुमूल्य है प्रतिभा मुझ में है छिपी पड़ी, मैं चाहे ढूंढूं मंजिल को पर मंजिल मेरी यहीं खड़ी। एक और शेर है जो लड़की रूठ जाती है उसके लिए है कि तुम बात बात पर चिढ़ जाती हो, तुम बात बात पर चिढ़ जाती हो, मुझे ढोने का एहसान है क्या, तुम बात बात पर चिढ़ जाती हो, मुझे ढोने का एहसान है क्या, अरे बंद करिए बातें फिजूल की और इतना बता मुझे छोड़ने का कोई प्लान है क्या। पहले तो ऐसे थे, शादी के पहले होता क्या है, शादी के बाद और शादी के पहले क्या होता है, शादी के पहले बड़े बड़े ख्वाब बुने जाते हैं और शादी के बाद क्या होता है कि तलाक की अर्जी साथ में रहती है, खासकर शहरों में,
कि पहले तो ऐसे थे कि बस भगवान लगते थे, पहले तो ऐसे थे शादी के पहले कि पहले तो ऐसे थे कि बस भगवान लगते थे, अभी हालात क्या बदले कि कागज साथ रखते हो। हमारी दिक्कतें समझो, थोड़ा सा दर्द सह लो ना, अगर ना मंजूर ये भी हो तो हमारे कौन लगते हो। जरा सी सत्सवर जाना, क्या चाहता हूं अपनी प्रेमिका से, क्या चाहता हूं कि जरा सी सत सवर जाना, जरा सर ढाक लेना तुम नमाज में उस खुदा को, और कुछ भी चाहिए फिर क्या। और शहर गांव पे है कि इस मिट्टी की खुशबू को कैद कर लिया जाता, संस्कृति है देसी संस्कृति, कि इस मिट्टी की खुशबू को कैद कर लिया जाता, मैं शहर में हूं इसी पर थोड़ा खेद कर लिया जाता, अरे संस्कृति संभलती और ये देश भी आगे बढ़ता, अगर किताबों को किताबों से थोड़ा वेद कर लिया जाता। हम जमाने से थे, हम जमाने से थे, वे जमाने में थे, यहाँ जमाना मतलब दुनिया, जमाना मतलब जमाना, हम जमाने से थे वे जमाने में थे, हम खबर वे असर वे ठिकाने से थे, गुफ्तगू आखिरी उनसे हो ही गई, वे कम आने से थे हम कमाने में थे। और हिंदू मुस्लिम पर है जो कुछ होता है कि जो लगाते हैं चांद सितारों, जो लगाते हैं चांद सितारों वाले झंडे छत पर, जो लगाते हैं चांद हिंदुस्तान में रहकर जो करते हैं कि जो लगाते हैं चांद सितारों वाले झंडे छत पर, उनसे कहो कि बेटा जिस थाली में खाते हैं उसमें थूका नहीं करते। और जरा से खुद के लालच में क्यों रंग को बदनाम करते हो, जरा से खुद के लालच में क्यों रंग को बदनाम करते हो, अरे ये भगवा किसी के बाप की जागीर नहीं होता। और पहले से तो ये झंडे हैं, क्या होता है, कहां से शुरू होता है, दिल्ली से शुरू होता है, जो कुछ होता है सोशल मीडिया पर कुछ भी हैशटैग करके डाल दिया गया उसका विरोध शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती है, कि पहले से तो ये झंडे हैं, मुद्दों से भटकाते हैं वे, जिन्हें मालूम है वे काम मयसर करवा नहीं सकते। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।